सुपन जी, क्या तुमने मेरे दोस्त अशोक से बात कर ली? वही जो फाइनेंशियल एडवाइजर है? मैंने उन्हें फोन किया था प्रोफेसर, वो कुछ कंपाउंडिंग के बारे में बोल रहे थे जो कि मेरे समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। वैसे तो कंपाउंड का कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ही सरल है, मैं तुम्हें छोटी सी कहानी के द्वारा उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे कहानियाँ बहुत पसंद है। ठीक है। हाँ तो बहुत साल पहले एक राजा और उनके मंत्री रहा करते थे। हमारे राज्य में भयंकर सूखा पड़ा है महाराज, हमें अपने शाही गोदाम खोलने होंगे और जितना चावल हमारे पास है उसे प्रजा में बांट देना होगा। लेकिन सूखा जारी रहा तो क्या होगा, हमें खाने के लिए क्या बचेगा? लेकिन महाराज, हमें इस बारे में कुछ नहीं सुनना है। बिल्कुल सही, मुझे यही करना होगा। महाराज, कल मुझे ये बोरी रास्ते में एक तरफ पड़ी हुई मिली, शायद ये शाही रथ से गिर गई होगी, इसीलिए मैं खुद लौटाने आया हूँ। आपको राज्य के प्रति इस वफादारी का इनाम दिया जाएगा मंत्री जी। क्या मैं कुछ मांग सकता हूँ महाराज? जरूर। तो मुझे इस पूरे चावल में से सिर्फ एक दाना चाहिए। बस एक? क्या आप वाकई यही चाहते हैं? हाँ, वैसे महाराज ये कैसा रहेगा कि आप मुझे आज एक चावल का दाना दें और उसका ठीक दुगना कल दें और परसों उसका भी दुगना दें और ऐसे ही 3 महीने तक देते रहें। ये बहुत ही तुच्छा सा इनाम है, ये रहा आपका पहला चावल का दाना। और इस तरह दूसरे दिन चतुर मंत्री ने चावल के 2 दाने पाए। उसके अगले दिन उसे उसका दुगना मिला, यानी उसे मिले चावल के 4 दाने। फिर 12वें दिन उसे चावल के 2048 दाने मिले और 13वें दिन उसने 4096 दाने पाए। तो देखा किस तरह से मंत्री मुनाफा कमा रहा था, ठीक उसी तरह तुम कंपाउंडिंग से मुनाफा पाते हो। इस तरह चावल के दानों की कंपाउंडिंग 3 महीने तक चलती रही, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्री के पास 1 अरब से भी ज्यादा चावल के दाने जमा हो गए और राजा के गोदाम खाली हो गए। मंत्री जी, अब तो मेरा सारा चावल आपका हो गया, बताइए आप इसके साथ क्या करेंगे? मैं इस चावल को सभी लोगों में बांटने वाला हूँ, इससे वो सूखे में भी अपना पेट आराम से भर सकेंगे। लेकिन चिंता ना करें महाराज, आपको भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। तो देखा सुपंडी, ये है कंपाउंडिंग की ताकत। इसके बल पर ही वो चतुर मंत्री अपने पूरे राज्य को सूखे से बचा सका। यदि तुम 1000 रुपए को 10% वार्षिक ब्याज दर से हर महीने की 1 तारीख को 10 साल तक जमा करते हो तो कंपाउंडिंग की ताकत से तुम्हें 2,04,845 रुपए मिलेंगे, जो तुम्हारे द्वारा 10 साल में जमा किए गए रुपयों से 84,845 रुपए ज्यादा होंगे। तुम जितनी जल्दी और अधिक समय के लिए इन्वेस्ट करोगे, कंपाउंडिंग की ताकत से उतने ही ज्यादा पैसे कमाओगे। मैं अच्छी तरह समझ गया प्रोफेसर, ये कंपाउंडिंग तो बहुत ही कमाल की चीज है। बस एक ही प्रॉब्लम है, अब मुझे भूख लग रही है और यहाँ पर ख्याली चावल पक रहे हैं। सुपंडी, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के खतरों के अधीन है, कृपया निवेश से पहले स्कीम से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।